नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम मैथ में पढ़ वर्ग निकालना दोस्तों, हमने दो डिजिट वाले वर्ग निकालना पढ़ लिया था दोस्तों। आगे देखते हैं तीन डिजिट वाले दोस्तों हमने दो डिजिट वाले देखे थे कि जैसे 85 का निकालना हो तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे प्लस का हिसाब किया, 8 का 64, 5 का 25, इन सबको गुणा करेंगे दोस्तों। 8 5 40 40 80 यहाँ पे ऐड करेंगे दोस्तों, 5 2 8 4 12, इसके बाद 1 6 1 7 क्या है दोस्तों, 7225। 85 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, 85 का वर्ग हो गया 7225। कर सकते हैं दोस्तों, ये तो था दो डिजिट वाला दोस्तों। अब देखते हैं तीन डिजिट के दोस्तों, हमने 1 से 99 तक निकालना सीख लिया था। आज देखेंगे दोस्तों 100 से 999 तक निकालना दोस्तों। सही है दोस्तों, 100 से 999 दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन हमारा दोस्तों 104 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों 104 का। सही है दोस्तों, तो ये देखना है कि दोस्तों 100 से कितना अधिक है, मतलब 104 का जहां पर डबल शून्य आए दोस्तों वहां पर जाके लिखे। जैसे 100 के पास 104, अगर 204 आ रहा तो 200 के पास, अगर 504 आ रहा तो 500 के पास देखे, तो यहाँ पे 100 के पास देखेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों 100 के पास, तो 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 4 अधिक है, तो 4 प्लस कर लेंगे दोस्तों। सही है दोस्तों, और एक बार 4 माइनस में कर देंगे दोस्तों, एक बार प्लस 4 कर देंगे, एक बार प्लस माइनस 4 कर देंगे दोस्तों। अगर 4 पे सवाल करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, 16 आता है। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। और क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसमें 4 जोड़े दोस्तों, 104 में अगर 4 जोड़ते हैं कितना होता है दोस्तों, 108 × अगर 104 में से 100 माइनस किया तो कितना बचा दोस्तों, 100, और बटे हुए 100 का भाग दे देंगे दोस्तों इसमें 200 से 200, तो क्या आया दोस्तों 108, और 16 है तो 16 ऐसे ही उतर जाएगा दोस्तों, क्या आया दोस्तों 10816। सही है दोस्तों, तो क्या किया दोस्तों, 104 किसके पास है, 100 के पास है दोस्तों, 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है दोस्तों, तो हमने क्या किया प्लस 8, एक बार माइनस में कर देंगे दोस्तों, अगर 104 में से 4 गया तो 100 आ जाएगा दोस्तों। सही है दोस्तों, तो एक बार प्लस में 4 किया, एक बार माइनस में 4 किया, अगर इस संख्या का वर्ग करते हैं दोस्तों कितना आता है 16, तो क्या किया दोस्तों हमने क्या किया, 104 में एक बार प्लस 4 किया तो 108 दोस्तों, और 104 में 4 माइनस किया तो 100 दोस्तों, और इसमें 100 का भाग देंगे दोस्तों, 100 से 100 गया तो कितना बचा 108 ऐसे ले देंगे, और ये कितने थे 16 इसके पास लिख देंगे, ये हमारा क्या गया आंसर। और आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, 104 गुना 100। सही है दोस्तों, अगर ऐसे गुना करते हैं तो दोस्तों 416 400 401 इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो अभी क्या आया 10816, यहाँ पे क्या आया था 10816। सही दोस्तों, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 100 से 999 का निकालना दोस्तों, जैसे कि दोस्तों 108 कितना आएगा दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों 100 के पास देखेंगे दोस्तों, 100 से कितना अधिक है दोस्तों 8, तो प्लस 8 कर देंगे दोस्तों, क्या अगर है कि 100 आ जाए दोस्तों माइनस 8 उठाएंगे दोस्तों, यही संख्या एक बार प्लस करेंगे, यही संख्या एक बार माइनस करेंगे, इनका किया दोस्तों 8 का, तो 8 का इसका कितना होगा दोस्तों 64। सही है दोस्तों, 64 एक बार लिख देंगे दोस्तों, बस क्या करेंगे दोस्तों 108 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों, अगर 108 में 8 जोड़ा तो कितना है दोस्तों 116 × अगर 108 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा 100, और इसमें 100 का भाग दिया तो
जीरो जीरो कितना बचा 116, यहाँ पे क्या जाएगा 116, ये हमारा क्या गया आंसर दोस्तों 11664। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, हल करके देख लीजिए दोस्तों 108 गुना 108। क्या है दोस्तों 11664, यहाँ लिख के आता है 11664। कर सकते हैं दोस्तों, क्या करना है दोस्तों ये पास में देखना है दोस्तों 00 के पास में, अगर यहाँ पे 208 होता तो किसके पास देते हैं 200 के पास चलते, लेकिन यहाँ पे 108 है यानी 100 के पास में देखो तो ये 100 से कितना देंगे दोस्तों 8 है देखो प्लस 8, एक बार प्लस 8 करेंगे एक बार माइनस 8 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो संख्या किए ना दोस्तों उसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 8 का स्क्वायर किया कितना आया 64 आया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों 108 पर पहले तो 8 प्लस करेंगे, 8 प्लस किया तो कितना आया 116 इनटू और 108 में क्या घटाया दोस्तों 8 घटाया तो कितना आया 100, तो 100/16 100 से 100 गया दोस्तों, कितना बचा 116। ऐसे कैसे 16 64 ऐसे कैसे उतार देंगे दोस्तों, सही है दोस्तों कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो जैसे क्वेश्चन है दोस्तों 205 का स्क्वायर क्या करेंगे दोस्तों, 200 के पास थे तो क्या करेंगे 200 में लिखेंगे दोस्तों, 200 से कितना दिखे 5 दिखे प्लस 5 करेंगे और एक बार माइनस 5 करेंगे दोस्तों माइनस 5, सही है दोस्तों कर सकते हैं दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे 205 में 5 जोड़ेंगे कितना है दोस्तों 210 गुणा इसमें से माइनस किया दोस्तों, यहाँ पे प्लस करेंगे यहाँ पे माइनस किया कितना आया दोस्तों 200 और बटे 100 का भाग देंगे दोस्तों 20 से 20 0224 और 5 का स्क्वायर किया तो 25, या आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, सही है दोस्तों कर सकते हैं 42025 आ गया दोस्तों, कर सकते हैं दोस्तों। क्या किया हमने किसके पास है 200 के पास है, कितना देगा 200 से 5 से देगा तो प्लस 5, कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों 5 माइनस 5 करना पड़ेगा तो माइनस 5 किया, अब इनका स्क्वायर किया तो कितना है दोस्तों 25 आया। और यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों एक 205 कितना दिखे 5 तो 5 प्लस किया तो 210, कितना कम करना है 5, 5 कम किया तो 200 इन गुणा करने के बाद 100 का भाग दिया तो कितना है दोस्तों 420 25 ये थे 25 पास से उतार देंगे दोस्तों, सही है दोस्तों कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो दो कीजिए दोस्तों 209 तो किसके पास है दोस्तों के पास है 200 उतारेंगे, 200 से कितना अधिक है 9 अधिक है तो प्लस 9, कितना कम करना पड़ेगा 9 कम करना पड़ेगा तो माइनस 9, सही है दोस्तों। तो अगर 9 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 81 आया दोस्तों, सही है। तो यहाँ पे दोस्तों 209 में क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, 209 में 9 जोड़ा कितना है दोस्तों 218 इंटू 209 में 9 माइनस किया तो कितना आया 200/100 भाग दिया तो दोस्तों 8 × 16 2 × 3 × 2 × 4 436 81 के पास नहीं देंगे दोस्तों 436 हमारे क्या आ गया स्क्वायर आ गया 43681। कर सकते हैं दोस्तों देखो देखो 209 × 200 क्या करेंगे दोस्तों 9 × 81 9 × 18 इंटू 0000 9 × 18 2 × 4 116 3 क्या है दोस्तों 43681। यहाँ पे क्या आया था 43681। इस प्रकार से भी यही आ रहा आंसर, इस प्रकार से भी यही आंसर, तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इस प्रकार करेंगे दोस्तों जल्दी हल हो जाएगा दोस्तों, सही है दोस्तों। जैसे और देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कीजिए दोस्तों 407 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, क्या करेंगे किसके पास है 400 के पास है, सही है दोस्तों 400 लिखेंगे, कितना अधिक है 7 है तो 7 प्लस करेंगे, कितना कम करना होगा 7 तो माइनस 7 लिखेंगे दोस्तों,
सात से स्क्वायर करेंगे तो 49 दोस्तों, सही दोस्तों। यहाँ पे क्या आ जाएंगे 707 में पहले 7 प्लस करेंगे तो कितना है दोस्तों 414 इंटू 407 में 7 माइनस किया तो 400, और किसका भाग देना है 100 का भाग देना है दोस्तों, 100 का भाग दिया तो क्या है दोस्तों 416 ऐसा लगे 416 कितना है दोस्तों 1,65,649। और हम आप हल करके देख लीजिए दोस्तों क्या करेंगे 407 को 407 से गुना किया, 707 को 49 00 00 728 416 क्या है दोस्तों 1,65,649। यहाँ पे क्या आया था दोस्तों 1,65,649। या तो आप इस प्रकार करेंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा दोस्तों, अगर हम इस प्रकार करते हैं तो बहुत इजी पड़ता है दोस्तों, सही दोस्तों कर सकते हैं 407 में कितना देगा दोस्तों, एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में करेंगे दोस्तों, और इसी का स्क्वायर कर लेंगे 49 तो 49 लिख दिया दोस्तों। अभी आगे क्या करेंगे दोस्तों 407 में एक बार 7 प्लस करेंगे दोस्तों, 407 में एक बार 7 प्लस किया तो 714 दोस्तों, उसके बाद में क्या किया 7 माइनस किया दोस्तों, 7 माइनस करेंगे तो 400, इसमें 100 का भाग देंगे दोस्तों, 100 का भाग देने पे क्या है दोस्तों 414 गुणा 4 गुणा किया कितना आया दोस्तों 1656 आया, 1656 दिए थे प्लस 49 की स्क्वायर किया तो 7 का तब आया, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे दोस्तों 1,65,649 ये माने क्या गया आंसर कर सकते हैं दोस्तों एक प्रकार के इन डिजिट का दोस्तों। और देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों 509 का निकालते हैं, निकालिए दोस्तों 509 का तो क्या करेंगे दोस्तों कितना दिखा रहा है 500 पे जा रहा है दोस्तों 500 500 से कितना दिखा रहा है 9 दिखा रहा है, प्लस में 9 कितना कम करना पड़ेगा 9 कम करना पड़ेगा माइनस 9, सही है दोस्तों। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, सही है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे 509 में पहले 9 जोड़ेंगे तो 509 में 9 जोड़ा तो कितना है दोस्तों 518 इंटू 509 में 9 गया तो कितना होता है 500 और बटे 100, इनको गुणा करने पे क्या है दोस्तों 8×5=40 का 5×4=25 क्या है दोस्तों 25×90 और 81 के पास ऐसे किसी उतार देंगे दोस्तों, हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों आ गया ना 25×90=81 कर सकते हैं सर दोस्तों क्वेश्चन 269081 कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों। अब हल कीजिए दोस्तों क्वेश्चन, हाँ 702 का स्क्वायर करिए दोस्तों, हल कीजिए दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों किसके पास है 700 के पास, 700 से कितना दिख रहा है 2 तो प्लस 2 क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2, सही है दोस्तों कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद भी क्या करेंगे दोस्तों 702 में क्या जोड़ेंगे 2 तो कितना आया 704 इंटू 702 में 2 माइनस किया तो 700 बटे 100 2×2=728 और 7×7=49 सही है दोस्तों। उसके बाद में 2 का स्क्वायर किया तो 4 लेकिन 2 डिजिट में लिखना है दोस्तों 2 अंकों में लिखना हमारे को तो 04 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी है 2 अंकों में लिखना होगा दोस्तों, अगर 1 अंक आता तो आगे 0 लगा देंगे दोस्तों, सही है दोस्तों। अगर 3 अंक आते हैं तो 1 आसन की दे देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे 1 अंक आया दोस्तों 4 2 का स्क्वायर 4 हमने क्या किया 2 अंकों में लिखा तो 04 और 04 का ऐसे उतार देंगे दोस्तों, कितना है दोस्तों 49 28 04 गुणा करके देख लेते हैं दोस्तों 702×702
क्या है दोस्तों 5960 यहाँ पे क्या था 5960 सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों 803 हल कीजिए दोस्तों 803 का। किसी का भी वर्ग हो दोस्तों 100 से लेके 999 तक हल कर सकते हैं दोस्तों इस ट्रिक से। क्या करेंगे दोस्तों किसके पास जाएंगे 800 के पास, 800 कितना दी गया 3 तो प्लस 3 कितना कम करना होगा 3 तो माइनस 3 तो इतना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 तो दो अंकों में लेना है तो 09 सही है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे 803 में 3 प्लस करेंगे तो क्या कितना आया दोस्तों 806 × 803 में 3 माइनस किया कितना है दोस्तों 800 800 में 100 का भाग दिया कितना है दोस्तों इसको गुणा करने पे क्या है दोस्तों क्या है 6448 और ये 09 ऐसे किस उतार दें आप गुणा करके देख लीजिए दोस्तों ये आंसर आएगा सही है दोस्तों 6,54,809 और आप 803 को 803 से गुणा करके देख लेना यही आंसर आएगा दोस्तों। अब आप अगर गुणा करोगे तो बहुत लंबा जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको क्या करना है दोस्तों 803 800 के पास कितना अधिक है 3 अधिक है 3 प्लस करेंगे कितना माइनस है 9 3 तो एक बार प्लस मिल देंगे एक बार माइनस मिल देंगे बस इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों। अगर एक डिजिट में आता है तो दोस्तों 0 लगा देंगे, अगर दो अंकों में आता है तो ठीक है, नहीं एक अंक में आता है तो 0 आगे लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद में क्या है 803 में पहले 3 प्लस कर देंगे दोस्तों, अगर 3 प्लस किया तो कितना आया 806 आया और 803 में एक बार 3 माइनस करेंगे कितना आया 800 और इसमें 100 का भाग देंगे दोस्तों, 100 का भाग देने के बाद में इनको गुणा करने के बाद में क्या आया दोस्तों 6448 आया दोस्तों 6448 से ये प्लस 09 ऐसे करके उतार देंगे इसके पास ये मान के आ गया आंसर 803 का स्क्वायर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये तो था एक डिजिट से दो डिजिट बनाना मतलब दो अंक लिखना, जैसे 3 अंक आ जाते हैं दोस्तों उसमें क्या करेंगे देखते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों सात सौ ग्यारह का स्क्वायर करिए दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों 700 के पास जाएंगे, 700 के पास है दोस्तों 700 से कितना दी गई 11 तो प्लस 11 कितना कम करना होगा 11 तो माइनस 11 अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 हमारे लोग चाहिए कितना दो डिजिट में दो अंकों में चाहिए 121 सही है दोस्तों। अब बाद में क्या करेंगे दोस्तों 711 को 11 जोड़ेंगे कितना है दोस्तों 722 × 711 में 11 कितना बचा है दोस्तों 700/100 का भाग देंगे दोस्तों शून्य से शून्य 7 × 14 7 × 14 = 15 50 54 है लेकिन यहाँ पे 3 अंक आ गए दोस्तों तो ये इधर का समय आ जाएगी दोस्तों ये किसके पास ले जाएगी दोस्तों अगर इसमें जोड़ेंगे कितना है दोस्तों 4 × 5 और 21 की ऐसे किसी की उत्तर ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 50 55 और 21 यहाँ पे 3 अंक थे एक इसके पास दे देंगे दोस्तों तो 4 × 5 हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा आंसर क्या है 50 55 21 हल करेंगे दोस्तों 711 × 711 हल कीजिए दोस्तों। एक रिंग दो 7 × 7 = 14 = 15 7 × 7 = 14 = 15 9 × 10 तो क्या आंसर है दोस्तों 50 55 21 यहाँ पे क्या आंसर आएगा 50 55 और 21 कर सकते हैं दोस्तों। ये था कि दो अंक 3 अंक आने पर एक इधर सिर की दे देते हैं दोस्तों और अगर एक अंक आता तो 0 लगा देते हैं दोस्तों सही है दोस्तों और कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें आप मात्र मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हो दोस्तों स्क्वायर किसी भी संख्या का। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तब थोड़ा सरल हो रहा है दोस्तों तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों जिस प्रकार से देखते हैं दोस्तों 513 करेंगे दोस्तों कीजिए दोस्तों किसके पास जाएंगे 500 के पास 500 से कितना दी गए 13 दी गए
कितना कम करना होगा 13, ये तो प्लस में ये माइनस में। अब 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, सही है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 513 में 13 जोड़ेंगे कितना है 526 इंटू 513 में 13 की माइनस किया कितना है 500/100, 200 से 200 5 की 30, 3 5 × 10 = 13, 13 × 5 = 25, 26 = 26, क्या है दोस्तों 26 30। यहाँ पे क्या है 3 अंक है, 1 अंक इसको दे देंगे दोस्तों, ये सुनने से क्या हो जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा दोस्तों, इधर क्या हो जा 69, सही है दोस्तों। हमारा आंसर आया था 26 30, तो क्या करेंगे दोस्तों 1 का सिक्का इधर दे देंगे, इधर देने के लिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ऐसे, इनको प्लस कर देंगे तो 6 1 3 26 और क्या 26 31 69, यहाँ पे क्या 26 31 69, और आप गुणा करके देख लीजिए दोस्तों एक बार, और 513 को 513 से गुणा करेंगे, क्या है दोस्तों 26 31 69, यहाँ पे क्या है 26 31 69, कर सकते हैं आप, गुणा करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा दोस्तों, तो आप इस प्रकार कर दीजिए दोस्तों, बहुत आसान जल्दी से आंसर आ जाएगा, मात्र 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा दोस्तों आप, मात्र 10 सेकंड में, सही है दोस्तों। कर सकते हैं सर क्वेश्चन, एक मतलब आपको मैंने बताया 1 से 1000 तक किसी भी का भी वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों, आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है दोस्तों 815 निकालिए दोस्तों, 815 क्या करेंगे दोस्तों, किसके पास है 800 के पास है, मतलब यहां क्या लिखेंगे 800 से कितना अधिक है 15 अधिक है, तो प्लस 15 कितना कम करना पड़ेगा कि 800 है 15 कम करना पड़ेगा, तो माइनस 15, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना है 225, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 815 में 15 जोड़ के तैयार 830 इंटू 815 में 15 माइनस किया कितना बचा 800, 800 में 100 का भाग देने कितना आया 8, इसको गुणा करने पे क्या आया 8 × 24 = 64 कितना आया 66 40, तो ये दो यहाँ पे 3 अंक है तो इधर चल जाएगा दोस्तों असल की, तो यहाँ पे क्या जाएगा 66 42 25, ये हमारे क्या गया आंसर, कर सकते हैं दोस्तों ऐसे आप गुणा करके देख लेना यही आंसर आएगा दोस्तों, और वैसे भी यही आंसर है, मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों, सही है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों सही है दोस्तों, आपको 1 से लेकर 10 तक तो याद करने ही करने हैं दोस्तों वर्ग, 1 से लेकर 10 तक तो वर्ग याद करने हैं, 1 से लेकर 10 तक करेंगे तो 1 से लेकर 99 तक आप हल कर सकते हैं दोस्तों, और 11 से लेकर 20 तक करेंगे तो 100 से लेकर 999 तक हल कर सकते हैं दोस्तों, फोर साइड क्वेश्चन बना हो दोस्तों, सही है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन आए दोस्तों, कीजिए दोस्तों क्या करेंगे, किसके पास है 300 के पास है 306 300 के पास, 300 से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो प्लस 6 कितना कम करना पड़ेगा 6 ही कम करना पड़ेगा, तो माइनस 6, 306 में पहले क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे, 306 में 6 जोड़ा कितना है दोस्तों 312 इंटू 306 में 6 माइनस किया तो 300/100, सही दोस्तों 200 से 200 यहाँ पे गुणा किया तो 639 936, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 ऐसे कैसे इसके पावर का दो अंक है दोस्तों 36 ऐसे कैसे इसके पावर का दें, क्या आंसर आया दोस्तों 93636, ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों, सही है दोस्तों। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो दोस्तों, आप 1 से लेकर 999 तक ऐसे ही हल कर पाएंगे दोस्तों,
मात्र 10 करके इन्वेल्व कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, इतना वो नहीं। आप सोच रहे हो कितना यार गुणा कैसे करेंगे इसका, लेंथ पर जाएगा गुणा बना, बिल्कुल इजी है दोस्तों। हलवा है हलवा, गुणा करना हलवा हो गया दोस्तों। जैसे आपके पास आए 511 का, तो क्या करेंगे कितना दिख है 500 से, यहाँ पे 500 कितना दिख है 11 दिख है, तो प्लस 11 कितना काम करना पड़ेगा 11, 11 की स्क्वायर कितना होता है 121, तो 11 सही दोस्तों। क्या जो भाई 11 तो कितना है 522 इंटू कितना कम करना पड़ेगा 11, कितना है 500, 200 से 200 काटा इसको गुणा किया तो 5 × 5 से 11 25, 5 × 10 5 × 11 25 × 36 यहाँ पे 3 आगे तो 1 यहाँ पे दे देंगे, तो कितना है दोस्तों 26, 11 और 21, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों आप इस पर हल कर सकते हैं दोस्तों, सही है दोस्तों। और अगर अंत में 5 हो जैसे दोस्तों क्वेश्चन है, सही है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे अंत में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे क्या है 40 का संख्या 41 को 4 से गुणा कर 40 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। क्या फिर देखते हैं दोस्तों 400 × 5 × 400 25 20 0 0 0 20 16 क्या है दोस्तों 16 40 25, यहाँ पे क्या था 16 40 25 गुणा करने पे क्या है 16 40 25, मैंने पहले बताया दोस्तों अगर अंत में 5 हो तो 5 के स्क्वायर पर देंगे 25, यहाँ पे जो संख्या होना उससे अगली संख्या से गुणा करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया था 35 का, 35 में क्या था 5 के स्क्वायर किया तो 25, 3 से अगली संख्या 4 × 3 = 12 ये इसका स्क्वायर होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 3 अंक होगा तो भी यही होगा दोस्तों, जैसे दोस्तों 500 305 क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 30 से अगली संख्या 31 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 31 से गुणा 0 3 3 किया 9 ये इसका आंसर आ गया, सही दोस्तों। 5 और आप कर सकते हो दोस्तों। ये थे दोस्तों वर्ग निकालना, अब निकाल सकते हैं दोस्तों हम वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे दोस्तों। आज हमने मिला पढ़ा था दोस्तों वर्ग निकालना, कल हम देखेंगे वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।